कांग्रेस की आह्वान पर सांकेतिक बंद के दौरान झड़प को लेकर कांग्रेस का ज्ञापन। जबलपुर महंगाई को लेकर प्रदेश व्यापी बंद को लेकर रांची ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन के द्वारा दुकान संचालक से हुई झड़प व बीजेपी के विरोध को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने देर रात रांची थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएसपी रांची को ज्ञापन सौंपा, जहां कांग्रेस नेता गोविंद यादव व रामदास यादव ने सीएसपी इसरार मंसूरी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदेश व्यापी सांकेतिक बंद को लेकर रांची में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जब बंद का आह्वान कर व्यापारियों से सहयोग मांग रही थी, तभी रांची थाने के सामने योगेश ड्रेसर्स के दुकान मालिक से किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जहां मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन इस मामले को तुल देने व शांतिपूर्ण सांकेतिक बंद का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचकर नारेबाजी व अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं दबाववश पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि भाजपा के लोगों ने विवाद की स्थिति निर्मित की थी। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जांच कर उचित कार्यवाही करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज किस प्रकार का ज्ञापन आपके द्वारा रांची थाने में दिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज ये निर्णय हुआ। सभी ब्लॉकों में, जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में इसी तरह का बंद का कार्यक्रम है। हमारे रांची ब्लॉक में हम सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, शांतिप्रिय ढंग से अपना बंद का आह्वान किए, शांतिप्रिय ढंग से बड़े पत्थर से 10 बजे से लेके और 2 बजे तक आए। कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि एक निश्चित जगह पर, चिन्हित जगह पर योजनाबद्ध ढंग से हमारे विरोधी दलों के लोग योजनाबद्ध ढंग से हमारे दो कार्यकर्ताओं को अपमानित किया और हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, तो एक अपनी घटना घटी। उसी संदर्भ में हम लोग जो है ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि जैसा इन्होंने हमारे दो कार्यकर्ताओं के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया है, ऐसी गाली देने वालों के ऊपर ही आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नाम आप? जगतमय चतुर्वेदी, ब्लॉक अध्यक्ष राजीव कुमारिया। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी ने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या है पूरा मामला? जगतमणि चतुर्वेदी, ब्लॉक अध्यक्ष रांची खमरिया के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है कि महिलाओं के विरोध में राज्यव्यापी बंद पर किए जा रहे प्रदर्शन में माँ बहन की ऐसी गाली देने तक हम करने की शिकायत बाबत आज सुबह बंद के दौरान में जब भाटिया जी की दुकान पे ये लोग गए थे, तो उस समय मंजीत और नारायण गुप्ता जी के द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जिसके उसमें वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था और उसी के तारतम्य में ही उनकी रिपोर्ट पे, भाटिया जी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था दोनों लोगों के खिलाफ। उसी के उसमें इनके द्वारा ये कहा गया कि उनके द्वारा भी गाली गुप्तार किया गया, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसकी जांच कर ली जाएगी, उसके बाद कार्रवाई। इसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं भाजपा के कुछ लोग आए और उसके बाद फिर ये स्थिति निर्मित हुई। शांतिपूर्ण नहीं हुआ था, मारपीट हो गई थी और मारपीट के बाद बीजेपी के कुछ लोग जो वहीं पे भूमि पूजन में उपस्थित थे वो लोग आकर के वहाँ पे अपना वो लोग आकर के वहाँ पे इस बात का विरोध किए थे कि मारपीट क्यों की है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।